हेलो दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लैक पेस्टेड सीपीयू ईएमएमसी को किस तरीके से निकालते हैं, उसकी ग्लू कटिंग कैसे होती है, उसकी सफाई कैसे होती है, क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी होती है। तो ये सारा कुछ आज इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, ब्लैक पेस्टेड और वाइट पेस्टेड में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये समझ लीजिए, ब्लैक पेस्टेड जो होता है वो ब्लैक कलर का ग्लू होता है, जैसे देखिए इसमें लगा हुआ है ये चारों तरफ, ठीक है। ये है आपका ब्लैक पेस्टेड, ये सीपीयू है और ये एमएमसी, हम दोनों को निकाल कर आपको दिखाएंगे, ठीक है। और इनको प्रॉपर क्लीन करके आईसी को भी क्लीन करेंगे। सैमसंग्स के फ़ोन्स में आपको मिलेगा वाइट पेस्टेड, और वाइट पेस्टेड और भी कई सारे मॉडलों में मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो सैमसंग में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग के लिए आपको रखना होगा अपने एसएमडी में। तो ब्लैक पेस्टेड को निकालने के लिए आपको 250 हीट और 2 से 3 या 3 से 4 एयर रख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो आजू बाजू का चारों तरफ का जो ग्लू लगा हुआ है ब्लैक पेस्ट, वो कट करेंगे। और ब्लैक पेस्ट कट करते समय किसी भी प्रकार का फ्लक्स का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस ग्लू को कट करते हैं और बिल्कुल हल्के हाथों से। देखिए इस तरीके का मेरे पास ये स्क्रैपर है। अगर आप ज़्यादा तेज़ी से स्क्रैपर चलाते हैं तो नीचे की जो लाइनें होती हैं वो कटने की संभावना रहती है, ठीक है। इसलिए इसको बिल्कुल आप हल्के हाथों से कीजिए ये काम। और आईसी की साइड, ये देखिए मैं ब्लेड अगर चला रहा हूँ तो ये मैं बिल्कुल आईसी के साइड चिपका के चला रहा हूँ, ठीक है। आईसी की साइड आप चिपका के चलाएंगे तो ज़्यादा आपका चांस रहेगा कि आपका ग्लू अच्छे से कट होगा। दूसरी बात, आपकी जो लाइनें हैं वो नहीं कट होंगी। और अभी मैं ईएमएमसी का काट लेता हूं क्योंकि हमको दोनों को निकालना है। तो हमने दोनों आईसीयू का ग्लू कट कर लिया है। तो अभी देखिए इसको हम निकालते हैं। तो निकालने के लिए आप जो हीट रखते हैं वो रख सकते हैं 350 मैक्सिमम, 300 से 350 के बीच में रख सकते हैं। थोड़ा देर में निकलेगी लेकिन आपकी आईसी जो है वो सिक्योर रहेगी। और जितना ही आप ज़्यादा टेम्परेचर यूज करते हैं उतना ही आपके लिए खतरा रहता है कि आपकी आईसी जो है वो चाहे सीपीयू हो चाहे एमएमसी, ख़राब होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जो हीट रखी हुई है वो 340 335 340 के लगभग रखी हुई है। एयर वही 2 से 3 रखी हुई है, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं। तो निकालने के पहले हम थोड़ा सा लगाएंगे इसमें फ्लक्स पेस्ट। तो थोड़ा सा इधर लगा देते हैं, थोड़ा सा इस पर भी लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको दोनों आईसीयू को निकालना है। अब अच्छे से हम पहले सीपीयू को निकालना है तो हम पहले सीपीयू को अच्छे से हीट करेंगे, इसके बाद ईएमएमसी को हीट करेंगे, ठीक है। टाइम देना है आपको लगभग 2 से 3 मिनट, जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पे। अब देखिए अंदर से ये एक दो बॉल्स जो है निकल के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये लगभग हमारा सीपीयू निकालने के लिए रेडी हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। हल्का सा मैंने उठाया, और एक बार में पूरा सीपीयू नहीं उठाना है, नहीं तो सीपीयू डैमेज हो सकता है आपका। और हल्के हाथ से आराम से इसको उठा लेते हैं। तो अभी हमने सक्सेसफुली इसका सीपीयू निकाल लिया है और हमारा कोई भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब अभी बोर्ड गर्म है तो इसी प्रकार से हम ईएमएमसी को भी निकाल लेते हैं। इसको भी पूरा एकदम अच्छे से हीट करना है, उसके बाद ही हम लोग इस पर स्क्रैपर का यूज करेंगे। देखिए अंदर से बबल्स निकलने लगे हैं, ये देखिए बॉलें निकलने लगी, इसका मतलब ये निकलने के लिए रेडी हो गई है। सक्सेसफुली हमारा सीपीयू और ईएमएमसी हमने दोनों बाहर कर दिए हैं, ये देख सकते हैं आप, दोनों आईसी हमारी ये निकल आए हैं। और ये है इसके नीचे के मदरबोर्ड के पैड्स। मदरबोर्ड हम पहले क्लीन करते हैं, इसके बाद आईसी को क्लीन करते हैं। सबसे पहले आपको लगाना होगा 138 का पीपीडी, अगर आपके पास नहीं है तो 183 भी यूज कर सकते हैं आप। और थोड़ा सा लगाएंगे इसके ऊपर फ्लक्स, और लगाने के बाद आयरन से इसके ऊपर आराम से चलाएंगे, एक बॉल टाइप का बना लेंगे। देखिए मैं बना रहा हूँ, ये देखिए ये बन गया है। और इसी बॉल को आईसी के जितने भी पैड्स हैं उसके ऊपर छोड़ देना। इससे होगा क्या कि आपके जो आईसी के पैड्स हैं
वो 138 पीपीडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इधर देखिए एमएमसी वाले भी कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी आप जब सफाई करेंगे उस समय आपके पैड्स टूटने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे अगर आपने ये काम कर लिया है। सबसे पहले इस पे डिसोल्डर एक बार चला देते हैं हम। ईएमएमसी को भी कर ले रहा हूँ। ये देखिए मैंने एक बार डिसोल्डर वायर से इसको क्लीन कर लिया है। अब इसको थोड़ा क्लीनर से, इसको मैं थिनर से क्लीन करूँगा, देखूँगा कितना ब्लैक पेस्ट अभी लगा हुआ है। तो ये देख सकते हैं अभी जो ब्लैक पेस्ट है वो हमारे पूरे मदरबोर्ड पे लगा हुआ है। तो आपको किस तरीके से निकालना है, देखिए ये दो तरीके से निकल सकता है। एक तो आपका आयरन से भी निकल सकता है और एक यहाँ पे हॉट एयर गन मशीन से भी निकल सकता है, ठीक है। 250 हीट रखनी पड़ेगी और 2 से 3 एयर रख के आप काम कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है। आईसी के नीचे के पैड्स हैं वो ख़राब होने के चांस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको आराम से काम करना है। और यदि कोई कंपोनेंट्स निकलता है तो उसको निकाल के आप बाहर कर लीजिएगा, ठीक है। उसको बाद में आप आराम से लगा लीजिएगा। अभी लगभग सीपीयू का हमारा ब्लैक पेस्ट साफ हो गया है। अभी हम ईएमएमसी वाला भी कर लेते हैं लगे हाथों। ब्लैक ग्लू साफ करने के बाद अब हम इस पर लगाएंगे थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट, और फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद डिसोल्डर से इसको हम क्लीन कर लेंगे पूरा बोर्ड को। तो इस तरीके से आप ब्लैक पेस्टेड वाले कोई भी मदरबोर्ड्स को साफ कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम मदरबोर्ड को साइड रखते हैं, अभी आते हैं आईसी की ओर, ठीक है। तो ये हमारा सीपीयू है, सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे, इसके बाद ईएमएमसी को क्लीन करेंगे। तो इसको भी क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा पीपीडी। अगर आप नहीं भी लगाते हो तो काम चल जाता, लेकिन मैं इसमें हमेशा पीपीडी का यूज करता हूँ ताकि हमारा सीपीयू स्क्रैचेस ना हो। थोड़ा सा लगाएंगे फ्लक्स पेस्ट और आयरन से वही जो हमने मदरबोर्ड पे किया था वही इस पे करेंगे, हल्का सा एक बॉल बना के पूरे आईसी में इसको रब करेंगे। और अभी स्क्रैपर की सहायता से इसको साफ करेंगे अपन, ठीक है। हीट है वो 300 रहनी चाहिए और एयर आप कितनी भी रख सकते हो, 3 से 4 या 4 से 5 भी रखते हैं कुछ लोग, अपने अकॉर्डिंग रखिए आप। थोड़ा सा इसको हीट होने देते हैं हम, हल्का सा, और एक तरफ से इसका ब्लैक पेस्ट जो है वो साफ करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे याद रहे आपको बिल्कुल हल्के हाथों से काम करना है, ज़रा सा भी आपने प्रेशर लगाया तो आपके नीचे की स्किन जो है सीपीयू की वो डैमेज हो सकती है और आपका सीपीयू स्क्रैच हो सकता है। तो ये याद रहे हमेशा ब्लैक पेस्ट में आपको ज़्यादा ज़ोर से स्क्रैपर जो है वो रगड़ना नहीं है सीपीयू को, बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है। अभी हमारा सीपीयू क्लीन हो गया है तो इस पर थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लगा के आयरन से इसको साफ कर लेते हैं।
और यहाँ पे अगर आप थोड़ा पीपीडी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे होगा क्या कि जो ड्राई सोल्ड बॉल्स आपको दिख रही हैं, जितनी भी बॉलें ये ड्राई सोल्ड हो गई हैं, वो आपको क्लियर ही दिखने लगेंगी। देखो थोड़ा सा हम पीपीडी लगाते हैं। और अभी आपको ये बॉल्स जितनी भी ड्राई सोल्ड दिख रही हैं, अगर आपको ये सही करनी है तो आपके पास होना चाहिए तार वाला ब्रश। तार वाला ब्रश कैसे होता है, स्टील ब्रश जिसको बोलते हैं, इस तरीके का। इससे बिल्कुल आपको हल्के हाथों से रफ करना है इसके ऊपर, देखो किस तरीके से। सारी बॉल्स आपको दिखने लगी हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको तार वाले ब्रश को यानी स्टील ब्रश को बहुत ही आराम से चलाना है, नहीं तो आपके सीपीयू आईसी या कोई भी आईसी होती है उसमें स्क्रैच लग सकते हैं, तो आपकी आईसी ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी सीपीयू हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसको हम हटाते हैं। अब लाते हैं ईएमएमसी को, उसमें भी आपका ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है, तो चलो ये इसको भी क्लीन कर लेते हैं। और इस पे हम पीपीडी पेस्ट नहीं लगा रहे हैं, एक्सपीरियंस के ऊपर है आप लगाइए या ना लगाइए, ठीक है। इस बार मैंने फ्लक्स पेस्ट और पीपीडी पेस्ट इसलिए लगाया था ताकि आपको पता चल जाए प्रॉपर तरीका क्या होता। करने को आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके हाथ में सफाई नहीं है तो इस तरीके से करने में आपका क्या होगा, आईसी जो है डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। लगाते थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट, इसको आयरन की सहायता से पूरा साफ कर लेते हैं। और इसमें भी कुछ बॉलें ड्राई सोल्ड हैं जिनको हम स्टील ब्रश से सही कर लेंगे, या अगर ऐसे में भी आप रिवॉल्व करने जाएंगे तो आपकी आईसी जो है वो प्रॉपर रिवॉल्व होगी, ठीक है। बशर्ते आपको हीट जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी रिवॉल्व करते समय। तो ये कुछ तरीका था जो ब्लैक पेस्टेड सीपीयू ईएमएमसी जो भी आपके पास आए उसको निकाल के मदरबोर्ड की सफाई और आईसी की सफाई प्रॉपर किस तरीके से होती है, वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।